तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई Redmi रेडी अपने K70 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। अब सीरीज की बात हुई है, एक दो स्मार्टफोन तो होने वाले नहीं है, तो यहां पर पूरे 3 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। Redmi K70, Redmi K70 Pro, Redmi K70e, ये तीनों ही स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं Redmi K70 के बारे में। और आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि भैया क्या इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे। जी हाँ, डेफिनेटली इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि Redmi जो K70 है ना, वो इंडिया में Poco F6 के नाम से लॉन्च होने वाली है। लेकिन देखिए चाइना में क्या है ना, ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के सेकंड वीक तक आपको देखने को तो मिल जाएंगे Redmi K70 सीरीज स्मार्टफोन। लेकिन जो Poco F6 के नाम से इंडिया में आएगी, वो नेक्स्ट ईयर मार्च तक देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए देखते हैं, फर्स्ट लुक सामने आ चुकी है कि Poco F6 के ब्रांडिंग के अंदर आएगी तो कैसा देखने को होने वाला है, क्या स्पेक्स होगी, क्या कैमरा होने वाला भाई साहब, क्या प्राइस पॉइंट होगी जब इंडिया में लॉन्च होगी, सब कुछ शेयर करूंगा। जल्दी से क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख खुद का टैग चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप है तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि Redmi K70 में क्या खास होने वाला है। यूं कह सकते हैं कि Poco F6 दिखने में कैसा होने वाला है, क्या प्राइस पॉइंट होगी। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो भाई साहब बताया जा रही है कि यहाँ आपको ना प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रंट में किस चीज का प्रोटेक्शन होने वाली है? अब भाई दिमाग में तो आ रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला का कोई प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा ना, Xiaomi का खुद का तैयार किया हुआ ग्लास का प्रोटेक्शन है। जी हाँ, नाम है Xiaomi Longjing ग्लास प्रोटेक्शन, आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। और भैया बता रही है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस से भी ये ज्यादा मजबूत है। खैर, जब लॉन्च होगा पता चल जाएगा। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 199 ग्राम थिकनेस, 8.6 mm, साथ ही IP68 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि भाई धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। फोन का थोड़ा सा वेट ज्यादा है क्योंकि बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलेगा। अब भाई डिजाइन की बात हो रही है तो चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन की। तो भाई इसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, दिखने में कैसा होने वाला है। बैक साइड देखेंगे, टॉप पर आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलेगी, साथ ही LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। नीचे Redmi की ब्रांड देखने को मिल जाएगी। यदि Poco के नाम से आएगा तो साइड में आपको Poco की ब्रांड देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले यहां देखने को मिलेगा, जो कि बॉक्सी डिजाइन के साथ आएगा। शानदार है, डिजाइन तो अच्छा लग रहा है, कुछ ज्यादा खराब भी नहीं लग रहा भाई यहां पर। लेकिन बॉडी टू रेशियो की बात करें तो बताया जा रहा है कि 93% तक आपको देखने को मिलने वाले बॉडी टू रेशियो, यानी कि वेजल चीन एकदम पतली से होने वाली है। और भाई साहब आज के स्मार्टफोन को देख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही पतला चीन और वेजल्स देने लगी है। लेकिन कलर्स की बात करें तो भाई साहब चार कलर्स बताए जा रहे हैं, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, चारों कलर शानदार है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें ना तो कंटेंट कंज्यूम करने से लेकर गेमिंग करने में भाई साहब टॉप नॉच होने वाली। जी हाँ, यहाँ मिलेगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस 12 बिट का OLED पैनल, 2400x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 हर्ट्ज का एस्पेक्ट रेशियो, 521 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 1800 nits की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन एल्बर, डॉल्बी विजन सपोर्ट। तो भाई साहब जबरदस्त है ही यहाँ पर वाकई में। पहली बात तो 12 बिट का है, कलर्स आपको शानदार मिलने वाले हैं, कंटेंट कंज्यूम करेंगे ना जबरदस्त होने वाला है यहाँ पर है। ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे, गेमिंग करेंगे, स्मूथनेस फील नजर आने वाली यहाँ पर है। कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो फिलहाल नेटफ्लिक्स को छोड़कर Amazon और YouTube दोनों में ही HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं, यानी कंटेंट कंज्यूम करने भाई साहब मजा तो अलग ही होने वाला है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो गाइस, इस फोन को शक्ति देगा नया नवेला MediaTek की तरफ से Dimensity 8300 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है ना, अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी लॉन्च होने बाकी है, इसी महीने 21 तारीख को या 21 नवंबर को लॉन्च होनी है। उसके बाद बैक टू बैक कई सारे स्मार्टफोन है जो लॉन्च होंगे, लेकिन फिलहाल Redmi K70 जो है ना, इसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाली है। लेकिन जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन अब बनाया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी ना एकदम मस्त रहती है, हीटिंग ऐसा काफी कम देखने को मिल जाता है। बताया जा रहा है कि वेपर चैम्बर कूलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यदि मैं एक नजर डालते हैं इसके रॉ सीपीयू की तरफ, यहां मिलता है वन कोर्टेक्स X3 जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया गया है, वही 3 कोर्टेक्स A714 जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया गया है, वही 4 कोर्टेक्स A510 जो कि 1.6 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस तो भाई साहब शानदार है, कोई खराब भी नहीं यहां पर है। अभी कंपेयर कर
करेंगे स्नैपड्रैगन के साथ कौन सा प्रोसेसर है जो कि कंपेयर करते हैं तो उसी के लगभग परफॉर्मेंस देने वाली है, लेकिन गेमिंग ना आप एटलीस्ट 60 FPS तक आराम से कर सकते हैं। मिलता है आरमाली G52 MP6 GPU साथ ही LPDDR5X RAM UFS 3.2 वाला स्टोरेज आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। रीड राइट की स्पीड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से गेमिंग करेंगे, परफॉर्मेंस भाई साहब दमदार होने वाली है। रही बात 5G बैंड की तो 12-13 5G बैंड आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। और रही बात ऑन टू स्कोर की तो इस प्रोसेसर का ना एक स्कोर लीक हुआ था बीच में जो कि बताया गया था कि 10,35,000 यानी कि 10,35,000 के आसपास इसका स्कोर देखने को मिला था, कभी कभी 11,00,000 तक भी इसको टच कर दिया जाता है। अब बताया जा रहा है कि जो पिछला मॉडल था ना रेडमी K60 जो कि स्नैपड्रैगन 8+Zen 1 के साथ लॉन्च हुआ था, करीब उसी के तरह ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस से तो कोई शिकायत तो डेफिनेटली नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। अब बात करते हैं इसके कैमरास की, तो भाई साहब परफॉर्मेंस इतना शानदार है, डिस्प्ले इतनी अच्छी है, तो कैमरास कैसे खराब हो सकती है। अब अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर जो कैमरा डिटेल सामने आई है ना जबरदस्त है। पहला है 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ जो कि सोनी IMX800 वाली सीरीज देखने को मिलेगी, वही 50 MP का ही टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाता है OIS सपोर्ट के साथ जो कि 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, वहीं 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। अब भाई साहब ऐसा देखकर लगता है ये प्रो मॉडल का ही कैमरा है, वो लग नहीं रहा है कि ये रेडमी K70 का है, लेकिन अभी लीक्स रूमर्स है, जैसे कुछ पता चलेगा अपडेट जरूर करूंगा, लेकिन देखा जाए कैमरा क्वालिटी भाई साहब दमदार तो लग रही है। जहां से आप 8K 24 FPS 4K 60 FPS 1080 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉर्ट्स बनाने के लिए बताया जा रहा है 16 MP का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी कि रीड मतलब इसका जो कैमरा क्वालिटी शानदार होने वाली है, 1080 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि मतलब रील बनाइए शॉर्ट्स बनाइए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबरदस्त। जो मेरे भाई है ना ये कंफर्म हो गया ना, जो मेरे भाई है जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उनके लिए जबरदस्त होने वाली है। लेकिन बात करें बैटरी की तो बताया जा रहा है 5000 mAh की बैटरी 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी और चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप आपका शानदार निकालेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की तो मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली, सेंसर सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर जायरोस्कोप प्रॉक्सिमिटी फलांगा कांच शटर पुटर NFC IR ब्लास्टर तक भी देखने को मिलेगी, USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, डुअल स्टूडियो स्पीकर का भी सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा शुरुआत में डिजाइन की जब मैं बात कर रहा था तो वहां पर मेंशन किया गया था डुअल स्टूडियो स्पीकर, साउंड क्वालिटी शानदार होने वाली है। हाँ 3.5 ऑडियो जैक ना ही कोई कार स्लो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तो ये कैसे पीछे रहेगी, यहां मिलेगा एकदम से नया लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स आती हाइपर OS के साथ देखने को मिलने वाला है। अभी और चौंक जाएंगे, इसकी पॉलिसी की बात करें तो अभी लीक्स आई है कि 4 साल तक का आपको एंड्रॉइड अपडेट 5 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट तक देखने को मिल सकती है, मतलब जबरदस्त होने वाला है। ऐसे में कई अभी क्रिएटर्स का भी वीडियो देखता हूँ तो एक क्रिएटर से मैं नाम ले लूँगा क्योंकि हम सब मिलकर काम करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उन्होंने कहा था कि MIUI 15 देखने को मिलेगा। भाई साहब उनको पता शायद नहीं है कि MIUI 14 तक उसके बाद बंद हो गया है, हाइपर OS पे कन्वर्ट हो चुका है, ये कुछ नया लेटेस्ट है तो गलती हो जाती है, मुझे देखा मुझे लगा कि बोलना चाहिए लेकिन थोड़ा सा अपडेट रह के उनको बनाना चाहिए, नाम मैं लूंगा नहीं, वो मेरा वीडियो देखते मुझे पता है। खैर देखा जाए एक्सपीरियंस शानदार होने वाली है और रियली भाई साहब शानदार एक्सपीरियंस आपको हाइपर OS देखने को मिलने वाली है। जब इंडियन की लिस्ट इंडियन जब लॉन्च होगा हाइपर OS उसकी लिस्ट आएगी मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, एक्स पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अब बात करें वेरिएंट्स की तो बताया जाए कि मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिल जाएगा, 8+128 8+256 12+512 16+512 ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं, कोई खराब नहीं है। लेकिन सवाल है ना कि प्राइस क्या होगी, तो जल्दी से भाई साहब यहां तक बने ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 150 लाख का टारगेट है पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके मत जाइए क्योंकि यहां आपके लिए फ्री होती है लेकिन मुझे बेनिफिट मिल जाती है। खैर बात करते हैं प्राइस की तो देखिए प्राइस तो सामने अभी भी नहीं आई है लेकिन अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स अब मेरे प्रिडिक्शन के साथ देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है ना वो अराउंड 30,000 के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी 25-30,000 के अंदर देखने को मिल जानी चाहिए क्योंकि अभी क्या अभी तो सब प्रॉब्लम ये है कि अभी कैमरा जो है डिटेल और बैटरी डिटेल अभी कंफर्म नहीं है, ये कि लीक्स रूमर्स है कि हो सकता है ये मिले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा की प्रो वेरियंट का ही लग रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ ये प्रो वेरियंट का ही लग रहा है, लेकिन कुछ कन्फर्म होगा मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन मेरे हिसाब से ना देखा जाए 30,000 के अंदर ये लॉन्च होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया में जो मार्च में लॉन्च होगा पोको F6 के नाम
से लॉन्च होने वाला है। कुछ तो चेंजेस होंगे यहाँ पर, कैमरा क्वालिटी को थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर किया जाएगा, पोको वाले जरूर करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से कितना एक्साइटेड है पहली बार पोको एफ सीरीज के नाम से लॉन्च होगा? तो मैं पोको एफ सीरीज ही बोलूंगा, यानी कि रेडमी के 70। कितना एक्साइटेड है और आपके हिसाब से क्या प्राइस पॉइंट हो सकती है, जरूर कमेंट करिएगा, कितने जरूर बताइए कमेंट करके, अथवा कमेंट क्या कीजिए, मतलब मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिथम को लग जाता है तो व्यूज में हेल्प हो जाते हैं, क्या जा रहा है, सपोर्ट तो चाहिए, सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Ooh.